कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार शाम 6:30 बजे पार्टी के पंजाब सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक में पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने उनके आवास 10 जनपद पर पंजाब सांसद प्रताप सिंह बाजवा, संतोष चौधरी, अमर सिंह, मनीष तिवारी पहुंचे। दरअसल एक दिन पहले ही यानी बुधवार को ही पंजाब कांग्रेस के नेताओं की बैठक में यह तय किया गया था कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी के इसी चुनावी अभियान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने सांसदों से उनका फीडबैक लिया। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष ने सांसदों को एकजुट होकर चुनाव में जाने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी विस्तार पर भी चर्चा की। दरअसल पंजाब कांग्रेस के कई विधायक कैप्टन के संपर्क में हैं। ऐसे में पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार इस बार कांग्रेस पार्टी लगभग 60 मौजूदा विधायकों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इनमें से 17 ऐसे विधायक चिन्हित किए गए हैं जिनकी टिकट पर संशय बना हुआ है। इनमें से अधिकतर विधायक पूर्व मुख्यमंत्री और पीएलसी के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली में पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस वॉर रूम में एक अहम बैठक हुई। बैठक में पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हुए थे। बैठक के बाद हरीश चौधरी ने कहा था कि पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी एक परिवार से केवल एक ही उम्मीदवार को टिकट देगी। बैठक में 117 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई। संसद सत्र के बाद कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी सिलसिले में पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब के सांसदों से उनकी राय ली।